तो मक्खा को कवर किया जा रहा है इस तरह के कपड़े से, जिससे कि चिड़ियाँ इनको नहीं खाएंगी। ये अपना अरबी वाला खेत है, अगर सुअर ने नुकसान नहीं किया तो हमारी अरबी हो जाएगी। हमारे पापा जी ने भी इस तरह कवर करके रखे, इसके लिए हमको ठांगर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ऐसे फूल भी आ गए हैं। बैगन है ना, भरते के लिए कितना मस्त, देखो ऐसे बैगन का भरता बनता है। अगर ऐसा मौसम नहीं होता तो इतनी देर तक खेत में काम करना पॉसिबल नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बच्चों के साथ, क्योंकि गुड मॉर्निंग, हमारे मामा जी का लड़का भी आ गया है ना प्रियांशु, नानी के साथ। अरे फिर क्या निकाला जेब से तू? गुड मॉर्निंग, पैसा पैसा देख, पैसा दिखा रहा पैसा। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? मक्का को आराम से कवर कर रहे हैं जिससे कि चिड़ियाँ खाएंगी नहीं। उनको देख के कमांडो भौंक रहा है। कमांडर गुड मॉर्निंग। कटप्पा बोलेगा मेरे को? गाइस होशियार भाई ने मेरे बाल काटे हैं, बिल्कुल ऐसा बना दिया कटप्पा है ना। गाइस बचपन से मैंने इसके बाल काटे हैं, इसने आज सारे दुश्मन एक साथ निकाल दिए। मैंने पहली बार घर में बाल काटा है, और जो काटे हैं ना, क्या सोच के काटे भाई? कुछ नहीं, मस्त। ये दिखाओ, परमानेंट नहीं हूँ मैं। ये देखो। अरे भाई फिर, अरे क्या करता है? ये देखो। प्रिंसू के साथ प्रैंक करते हैं, ठीक है? प्रिंसू यहाँ था, फिर घर कहाँ पे? चंचौड़ कहाँ पे? फिर घर कहाँ से? चंचौड़ कहाँ पे? घर कहाँ पे? घर घर कहाँ से? चंचौड़ कहाँ से? तगड़ा वाला प्रैंक हो रहा है। जब बड़ा होकर देखेगा वीडियो, करेगा कर क्या है साले? बहुत आरामी है साले। गाइस अभी हम लोग हैं खेत पे अपनी, तो मक्का को कवर किया जा रहा है इस तरह के कपड़े से, जिससे कि चिड़ियाँ इनको नहीं खाएंगी, है ना होशियार भाई? भाई एक बात बता, चिड़ियाओं से तो बचा लेगा, सुअर से कैसे बचाएगा? रे बाबा बताओ चाचा, सुअर से कैसे बचाओगे? सुअर से भी बचा देंगे, क्या करें? अभी देखो भाई, देखो पूरा कवर कर दिया वहाँ से इस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंसान खड़े होंगे। सारे कपड़े लगा दिए, जितने होशियार भाई के कपड़े थे सारे फाड़ फूड़ के लगा दिए। इतना बचा हुआ इसको भी कवर करेंगे, और पापा जी ने भी कहा इस तरीके कवर करके रखी। देखो मक्का काफ़ी अच्छी हो रखी है ये, पर बहुत कम है हमारे पास, होशियार भाई के ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, उठा ले जाऊंगा। बहुत पैसा है होशियार भाई, पैसा ही पैसा। मैं कैमरा लगा रहा हूँ यहाँ पे, परसों को कल को सीसीटीवी कैमरा लग। लक्कू तू क्यों मेहनत कर रहा है भाई? देखो थोड़ा मक्का मिलेगी, खाली मेहनत कर रहा है भाई तू। क्यों नहीं मिलेगी यार? लक्कू सोचा शाम को आऊंगा, वहाँ पे सा घर है, भाग के आ जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा मैं। आपको दिखाते हैं कैसे कवर करना होता है। ये हमारा कपड़ा है, ठीक है? देखो ये मक्का है, कोशिश करनी है कि इसको पूरा कवर करें, जिससे कि चिड़िया को पता ना चल पाए ना सोना है। इस तरीके से लगाओ, इसमें गांठ लगा दो यहाँ से इस तरीके से। अब ये मत बोलना चिड़िया यहाँ से खा जाएगी, मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा, बस चिड़िया को नहीं पता चले। ये देखो जिस समय से आया लौंडा, पैसे खाए जा रहा है। सभी लोग मिलके क्या मक्का कवर कर रहे हैं। आपको एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो गाइस प्याज, ये मैं भी दिखाना चाहता हूँ। जिस टाइम में प्याज लगा था उस टाइम प्याज नहीं हुआ, आजकल प्याज हो रहा है। ये देखो भाई किसको मुखाड़ सकते हैं। अरे भाई प्याज निकल गया, ले काफी छोटा प्याज है, लेकिन इससे सब्जी बन सकती है। तो उखाड़ा क्यों इसको भाई, इसकी पत्तों की सब्जी बन जाएगी। पत्ती देखो प्याज उखाड़ दे, लगो ये लट्ठे वीडियो में देखा है, सब दिख रहा भाई वीडियो में। वीडियो क्यों बनाता है? तुम्हारी चोट पकड़ाने के लिए भाई। मैं सोच रहा था फिटेगा भाई, दोबारा गाड़ उसको मिट्टी के नीचे। तो ये वाला खेत अपनी अरबी वाला खेत है, तो इस वाले खेत वहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक अरबी लगाई हुई है। अगर सुअर नुकसान नहीं करेगा तो हमारे खाने के लिए और बेचने के लिए हो जाएगी। तो इसमें अरबी है, और कुछ पौधे मक्का के हैं, और कुछ इसमें राजमा की दाल है। ये पौधे वाली दाल है, इसके लिए हमको ठांगर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ऐसे फूल भी आ गए हैं, तो ये पौधे वाली राजमा है। और इस पर कुछ हम लोगों ने झंगूरा लगा रखा है, ये देखो गाइस इस तरीके से। कुछ पौधे इसके भी हैं, तो ये भी काम आता है। एक पौधा ये है, एक ये है, दो चार पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस वाले खेत पे गाइस योगी लोगों ने पूरी मक्का लगाई हुई है, वहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक मक्का ही मक्का। अब इसको ढकने के लिए आएंगे, अगर इसको ढकेगा योगी के सारे कपड़े कम पड़ जाएंगे, मक्का नहीं ढकेगी। और सुअर खाएगा तो क्या होगा रे बाबा? लखा देखो खतरनाक करके लग रहा है। ये रहा नींबू का पेड़, जिस नींबू कुछ आए हुए हैं। ये है गाइस ताऊ जी लोगों का खेत, और यहाँ पे लगे हैं बैगन। ये देखो सबसे बड़ा बैगन, ये देखो
ये वाला बैगन है ना भरते के लिए कितना मस्त देखो हाँ। ऐसे बैगन का भरता बनता है योगी क्योंकि गोल है ना ये। हाँ, कैंपिंग में इसको लेके जाएंगे इसका भरता बनाएंगे। चोरेंगे अब तो हम यहाँ से मिर्ची भी उठा सकते हैं ये देखो गाइस सब कुछ चोर सकते हैं खेतों से। गाइस आजकल गांव में ना बहुत सारी सब्जी होती है बहुत सारी हम जितनी चाहे उतनी चोर सकते हैं और खा सकते हैं योगी। जैसे कि योगी का बैगन चोरेंगे कल को चोरेंगे भाई। अब हमने देख लिया हमारी 10:22 से पहले पहले हमारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं भाई। हमारी वीडियो में तो व्यूज आ गए ऑलरेडी कितने 49 मिनट पहले वीडियो अपलोड हुई 56 लोगों ने देख लिया अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे हैं। तो ये देखो गाइस अभी हम बैठ के नहीं नहीं कर रहे हैं भैंस को घिस घिस के नहला रहा है। देखो गाइस मिल के बिल्कुल एक फ़ोन में चार लोग ब्लॉग देख रहे हैं। चार फ़ोन होते मेरे चार व्यूज़ आते इसीलिए मेरा एक ही व्यूज़ आ रहा है पता है। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं लक्कू मीठा देखता है ना घर वाले फ़ोन में ये देखता है गाइस ताऊजी वाले फ़ोन में ये भी ताऊजी वाले फ़ोन में ये देखता है मामी वाले फ़ोन में देखता है मेरी वीडियो देखा था मेरे वास्ते अभी ज़िंदगी में गाइस देख रहे हो मेरे बाल बिल्कुल छोटे हैं तो इसका रीज़न आपको बताते हैं मेरा टकला दिख रहा है ना इसकी वजह ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे तो गाइस मैंने मार रखा है आदिवासी हेयर ऑयल तो इसको यूज़ करता हूँ मैं। उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको ये मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए और ये मेरे को कितने का पड़ा वो आपको आगे पता चलेगा। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी तो तब जाके फाइनली ये मंगाया ये असली है और मेरे पास नकली भी है। ये देखो गाइस दो ऑयल हमारे पास ये नकली है ये असली है दोनों है। ये भाई लेके आया था ये बिल्कुल थर्ड पार्टी है इससे ना ऐसे जैसे परफ्यूम की स्मेल आती है बिल्कुल वैसे आ रही है और इससे आ रही है बिल्कुल जड़ी बूटी वाली अजीब सी स्मेल बहुत होशियार भाई ने हाथ पे लगाया बिल्कुल अजीब सी आ रही है। और ये बता बहुत गाढ़ा है ये बहुत महीन है बिल्कुल पतला सा पानी सा। इसका डिफरेंस भी आपको बाद में दिखाऊंगा कौन सा आपको लेना चाहिए मतलब ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए लेना यही चाहिए। इसका फ़ायदा है नहीं है वो आपको कितने लगभग एक महीने बाद बताएंगे। गाइस ये तो बिफोर है देखो ऐसा टकला दिख रहा है अब आफ्टर क्या होता है वो आपको धीरे धीरे हर ब्लॉग में पता चलेगा। अगर मेरे बाल आगे अरे टकला थोड़ा सही हो गया तो आप भी मंगाना वरना मत मंगाना। मैंने मंगा तो लिया ये मेरे को कितने का पड़ा ये आपको 30 दिन के बाद बताएंगे इसका रेट ठीक है। गाइस अभी हम लोग अपना कैंपिंग टेंट घर पर लगा रहे हैं कल रात भाई इसको लेके गया था अकेले गया था कैंपिंग करने के लिए उसने इसकी हालत से बना रखे हैं बिल्कुल बुरे वाले इतना गंदा फोल्ड करके ला रखा है और नीचे पूरा गीला है। भाई इसको दिखाइए नीचे पहले कितना गीला है इसको बताओ ना घर आके बताया भी नहीं कि गीला करके इसको सुखाना पड़ता है वैसे पूरा इसका पानी आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये पूरा खराब हो जाता उसने ये भी नहीं बताया कि ये सुखाना है करके। ये देखो ये ऐसे हाल बना के ला रखा है इसके भाई सारे बच्चे अंदर चले गए बच्चे के लिए फायदा ये हुआ कि ये मैंने भी देख लिया गीला करके वरना ये खराब ही हो जाता उसने बिल्कुल बताया नहीं बताया आया इसके अंदर रख दिया। प्रिंसोर में जा रहे हैं खेत पे जहाँ पे मम्मी पापा नानी लोग सब गुड़ाई कर रहे हैं तो उनको हम लोग पानी देने जा रहे हैं। ये रहा मेरे हाथ पे दही पानी और प्रिंसो के हाथ में गिलास है और हाथ में नमकीन है ना मैं बोल रहा हूँ इससे वहाँ जाके खाना बोल रहा है मेरे को भूख लगी हुई है चलते चलते खा रहा है अभी गिरने वाला था ये हाथ टूटता भी जरा अभी तो नहीं टूटा अभी नहीं टूटा ना जब गिरेगा तब टूटेगा ना एक बार बच गया दोबारा टूट जाएगा अभी नहीं टूटा। भाई जिसकी खुशी देख सकते हो कितना खुश हो रखा है ये पापा को बोलता है बूबू इसको बोलना है फूफा जी ये बोलता है दादाजी पहाड़ी में दादाजी को बूबू बोलते हैं। अरे जूते मत खोल आया अरे मत खोल ऐसा आदमी इसने यहाँ पे देखा ना सबने चप्पल उतारी हुई थी इसने भी उतार दी ले गिलास पकड़ चल आप खाओ अब मत खा पहले चल तेरा खाओ मत खाने में ध्यान मत दे हाँ खाने अरे क्या कद्दू खाएगा खाने की हो रही है बस। नमस्कार तो गाइस नानी को काम पे लगा दिया है यहाँ पे नानी कर रही है सोयाबीन की गुड़ाई तो वहाँ से लेकर इतनी सोयाबीन गुड़ाई कर दी है ऊपर वाले हिस्से की बची हुई है। एक बार भी इसने पूरा गिलास खाली कर दिया आई भी ले छोड़ छोड़ पी पी आई भी तो ना पीने। जब भी खेत में काम कर रहे होते हैं ना तो पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा पसीना गिर रहा होता है एनर्जी के लिए। दही पानी मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। आजकल इन सभी खेतों पर गुड़ाई कर रहे हैं और मौसम की बात करें तो आसमान में बादल लगे हुए हैं और पता हल्की उमस टाइप की हो रही है क्योंकि यहाँ से लग रहा है ना मौसम खुल जाता है तो ऐसे मौसम में उमस रहती है पर गुड़ाई करने के लिए अच्छा है। अगर बहुत तेज़ वाली धूप होती तो काम करना टफ हो जाता अगर ऐसा मौसम नहीं होता तो इतनी देर तक खेत में काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी दिन के 11:30 हो गए और 11:30 तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है पर मौसम की वजह से ज़्यादा देर काम कर सकते हैं 12:30 12:30 बजे तक या 1 बजे तक भी।